मऊ में, उत्तर प्रदेश के मऊ में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। बड़ा सत्य का मतलब आपके बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा और आधा लेकर के उसे रोहिंग्या को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बांटने का काम होगा। बहनों भाइयों, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी पर डकैती डालने की छूट दिलवाएंगे क्या? और तीसरी बात क्या कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, तीन तलाक को पत्थर को फिर से चालू करवाएंगे, बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक के रहना पड़ेगा। ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। देश की जो आवाज है, देश की जो आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, और मोदी सरकार इसलिए जिससे बहनों भाइयों, जिससे मोदी सरकार इसलिए जिससे हम सब एक कृतज्ञता कर सके। कृतज्ञता किस बात के लिए? इसके लिए कि जो राम को लाए हैं, क्यों मऊ की जनता ये चाहती है, दोनों जो राम बुलाए हैं, जो राम बुलाए हैं, आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं बहनों भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं, यही अपील करने के लिए आए हैं। यहां पे एनडीए का प्रत्याशी स्वयं राजभर पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ये सभी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और अरविंद राजभर एक युवा जुझारू प्रत्याशी है। एक युवा अगर आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो बैनर भाइयों गांव गरीब के लिए कार्य करेगा, मऊ के विकास के लिए कार्य करेगा, यहां के पूर्व सांसद शिवराज सिंह जी के सपनों को साकार करेगा, श्री कल्पना राय के सपनों को साकार करेगा, डॉक्टर श्यामनारायण पांडे की जो सपना देगा था हल्दी घाटी के माध्यम से, हल्दी घाटी की उस देशभक्ति की जान को गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का काम और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम अरविंद राजभर करेंगे। और इसीलिए आज हम सब एनडीए के नेता भी, मैं स्वयं भी आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, अरविंद राजभर को एक मौका दीजिए। अरविंद राजभर को चुनाव जाएंगे, बहुत दोनों हाथ पकड़ के बताओ, दोनों हाथ पकड़ के जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर इधर दे, इधर दे, दोनों हाथ पकड़ के चुनाव जीत के अरविंद राजभर जाएंगे जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे, करेंगे। पहला काम आज 27 तारीख हो गई,
28, 29, 30, 31 चार दिन आप घर घर संपर्क कर सकते हैं, करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।